तो हेलो दोस्तों, आज का आप लोगों के लिए लेकर सबसे बेस्ट वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000 के रेंज में। अगर आपका 30,000 रुपये का बजट है, 30,000 रुपये की कीमत में आप एक अच्छा सा फ़ोन लेने को सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को ये तीनों फ़ोन बताने वाला हूँ, ये सबसे बेस्ट फ़ोन होने वाले हैं। इनको लेने के बाद आप यही सोचेंगे कि आपने सबसे ज़बरदस्त अच्छा फ़ोन लिया है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों जो बेस्ट फोन लेना चाह रहे हैं, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं अंडर 30,000 के रेंज में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तीसरे नंबर पे हमारा फोन निकल कर आता है, यहाँ पर मोटोरोला एज 20। ये फोन में आप लोगों को एक अच्छी सी डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही साथ इस फोन में आप लोगों को एक कमाल की बैटरी लाइफ और एक जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है। अगर इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आप बहुत ही स्टनिंग क्वालिटी की पिक्स ले सकते हैं और वीडियोग्राफी भी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। आप इसमें फ्रंट कैमरे से भी बहुत ही अच्छी पिक्स ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फोन की क्विक सी स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फोन की तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की ह्यूज एंड बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जो कि फुल HD AMOLED डिस्प्ले निकल कर आती है, जहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। सबसे ज्यादा हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला यही फोन है। और अगर इसमें आप जब गेमिंग करते हैं या फिर आप इसमें कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का। साथ ही साथ इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी डिस्प्ले में मिल जाता है, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। IP52 की रेटिंग इस फोन में आप लोगों को मिलती है डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की। तो अगर आपका फोन डूब वगैरह जाता है या फिर पसीने वगैरह से स्वेटिंग वगैरह से हो जाता है तो खराब नहीं होने वाला है। इस फोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जहां पर आपको 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिसको आप 30W के फास्ट चार्जिंग के साथ आराम से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा मिलते हैं। यहाँ पर आपको 108MP का सेंसर देखने को मिलता है रियर साइड में, 16MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है और 8MP का और सेंसर आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप बड़ी ही अच्छी जूम करके वीडियो ग्राफिक कर सकते हैं और अच्छी खासी फोटोज भी खींच सकते हैं स्टनिंग क्वालिटी की। यहाँ पर आपको 32MP का फ्रंट में कैमरा मिलता है, जिससे कि आप आराम से सेल्फी वगैरह ले पाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पिक्स लेने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बहुत ही अच्छी पिक्स ले पाएंगे इस फोन के जरिए। तो अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को 30,000 रुपये कीमत में मात्र मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ऑसम फोन निकल कर आता है। तो आप इस फोन के साथ भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने दूसरे स्मार्टफोन की। दूसरा जो हमारा फोन निकल कर आता है वो है Realme की तरफ से X3 सुपर जूम, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड इफिशियंट प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है। अगर देखा जाए तो एक ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ साथ में आप लोगों को इस फोन में कैमरा परफॉर्मेंस लाजवाब मिलती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फोन की तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.6 इंचेस की बड़ी एंड ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं, फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लग, जहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इस LCD पैनल में। अगर देखा जाए तो फोन देखने में स्टाइलिश लगता है। अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है, जो कि वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 12GB रैम मिल जाती है, 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। इस फोन में आपको 60x का जूम एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जहाँ पर हाइब्रिड जूम आपको मिलता है। 64MP का आप लोगों को यहाँ पर प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 8MP का टेलीफोटो जूम और यहाँ पर आपको 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी स्टनिंग क्वालिटी की पिक्स ले पाते हैं। साथ ही साथ 60x तक हाइब्रिड जूम भी कर पाते हैं। यहाँ पर आपको 32+8MP का आप लोगों को यहाँ पर डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस फ्रंट सेल्फी के लिए निकल कर आता है। और अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो मात्र 28,000 से 29,000 रुपये कीमत में ये फ़ोन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है आप लोगों के लिए जो कैमरा पावर लवर्स हैं और ज़्यादा जूमिंग करके फ़ोटो खींचना अगर आपको पसंद है या फिर वीडियोग्राफी करना पसंद है, तो आप इस फ़ोन के साथ वाकई में जा सकते हैं। पहला फोन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है गूगल की तरफ से Pixel 4a। इस फोन से आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पिक्स ले पाते हैं। इस फोन में आपको स्पेक्स तो बड़ी ही ऐसी मिलेगी जिससे लगेगा कि बहुत ही मीडियम लेवल का फोन है, लेकिन जब इसको आप यूज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना ऑसम फोन है।
यहाँ पर आपको इस फोन में मिल जाता है 5.81 इंचेस की छोटी सी डिस्प्ले, जहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। एजेस और चिन बड़े ही पतले मिलते हैं, फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। फ्रंट और बैक से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर इस फोन में मिल जाता है, जहाँ पर 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। जहाँ पर अगर बात करें इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 12.2 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा रियर में देखने को मिलता है, जो कि आपका सिंगल कैमरा ही काम कर देता है सारे काम, जिससे कि आप इससे आराम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्स ले पाते हैं। 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस फोन को बहुत ही ऑसम बनाता है फ्रंट और रियर से। अगर बात करें इस फोन की बैटरी की, तो इसमें आपको 3140 mAh यानी कि 3140 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे कि आप ठीक ठाक यूज कर पाते हैं। ये आपको 30,000 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ा ही अच्छा फोन निकल कर आता है कैमरे परफॉर्मेंस के मामले में। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंप्लीमेंट्री फोन और बताने वाला हूँ, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी नोट 10 लाइट। इस फोन के साथ भी आप जा सकते हैं, ये मैं कंप्लीमेंट्री आपको बता रहा हूँ। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको सैमसंग पसंद है तो। वैसे मैं कहूँगा कि ये फोन भी अच्छा है कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में, और इसमें स्पेक्स भी आपको अच्छी मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। बात करें ऑक्टा कोर 2.7 GHz का सैमसंग एक्सिनॉक्स 9 प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। बात करें डिस्प्ले की, तो 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है। एजेस और चिन बड़े ही पतले मिलते हैं। कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको 12+12+12 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा मिलता है LED फ्लैश लाइट के साथ, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस लाजवाब मिलती है। बैटरी की बात करें, तो 4500 mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो ये फ़ोन भी आप लोगों को मिल जाता है 29,000 रुपये की कीमत में, जो कि एक बहुत ही अच्छी कीमत है मेरे ख्याल से, और आप लोगों को इसमें बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है, बाकी इसमें आपको कैमरा परफॉर्मेंस लाजवाब मिल जाती है। तो ये थे हमारे कुछ फ़ोन जो आप लोगों को मैंने सजेस्ट किए, जो कि बहुत ही अच्छे फ़ोन हैं आप लोगों के लिए कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में। अगर आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कैमरा के मामले में, या फिर आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू।